नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी नोट्स में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हिंदी की जो बहुत ही खास ट्रिक्स हैं उनके बारे में। दोस्तों, मैंने हिंदी पे एक और वीडियो बनाया हुआ है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को देख लीजिए। और हिंदी ही नहीं, मैंने बाल विकास और भी कई सब्जेक्ट पे आपके लिए ट्रिक्स बना के रखी हुई है। तो दोस्तों, आप उन वीडियोस को भी देख लीजिए। और दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप ये वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। और एक बात दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने के बाद सारे वीडियोस मैं जो भी अपलोड करूंगा आपको मिलते रहेंगे, और आप बेल आइकॉन दबा देंगे तो आपको ईमेल भी आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहली ट्रिक यहाँ पे होगी कि तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं। तो तुलसीदास जी की अगर प्रमुख रचनाएं हैं तो उनको याद करने की ट्रिक क्या है? तो देखिए, ट्रिक है यहाँ पे दोहरा कवि। ठीक, तो इसको याद कैसे करते हैं? दो से हो गया दोहावली, ह से हो गया हनुमान चालीसा, और रा से हो गया रामचरित मानस, और क से देखिए कवितावली, और वी से हो गया विनय पत्रिका। इसको बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। आपको मैंने पिछली वाली वीडियो में भी तुलसीदास जी के बारे में एक ट्रिक बताई थी, आप उस ट्रिक को भी फॉलो कर सकते हैं। अगला देखिए, कालिदास जी की प्रमुख रचनाएं। तो इसको याद करने के लिए क्या ट्रिक है मेरे पास? तो हमने इस पे ट्रिक बनाई है लघु कुमार अभिमान, फिर यहां से मेघा ऋतु पूर्ण पुष्प। ठीक है, मेघ ऋतु पुष्प। तो देखिए, रघु से क्या हो गया? रघुवंशम। फिर कुमार से क्या हो गया? कुमार संभवम। अभि से क्या हो गया? अभिज्ञान शाकुंतलम, जो इनका महाकाव्य है। और मान से क्या हो गया? मालविकाग्नि। ठीक है, मालविकाग्नि। और मेघ से क्या हो गया दोस्तों? मेघदूतम। ठीक है, मेघ से मेघदूतम। और ऋतु से क्या हो गया? ऋतु संहार। ठीक है, और पुष्प से हो गया पुष्पवानम। ठीक है, तो ये दोस्तों कालिदास जी की थी। आगे देखते अगली ट्रिक है हमारी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पे। तो इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भारत, इसको याद करने की ट्रिक है कि भारत नगरी सत्य प्रेम, भारत नगरी सत्य प्रेम। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए। देखिए, भारत से भारतेंदु भी हो जाएगा, और भारत से क्या हो जाएगा? भारत दुर्दशा, और नगरी से क्या हो जाएगा? अंधेर नगरी, और सत्य से क्या हो जाएगा? सत्य हरिश्चंद्र नाटक, और प्रेम से क्या हो गया दोस्तों? प्रेम माधुरी। अगले देखते हैं, अगला है हमारी देखिए धर्मवीर भारती जी की प्रमुख रचनाएं। तो इनके लिए क्या ट्रिक है? अंधा सूरज गुनाह करे, अंधा सूरज गुनाह करे। तो ये किसकी है? धर्मवीर भारती जी की है। देखिए अब कैसे, देखिए पहला वर्ड था अंधा, तो अंधा से क्या हो गया? अंधा युग। सूरज से क्या हो गया दोस्तों? सूरज का सातवां घोड़ा। ठीक, और उसके बाद देखिए गुनाह से क्या हो गया? गुनाहों के देवता। ये वाला देखिए, गुनाहों के देवता कई बार इसके आपके एग्जाम में भी पूछ चुका है। और करे से क्या हो गया? कर का क्या मतलब हो गया? कड़ु प्रिया। अगला देखिए, जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो जयशंकर जी के लिए कौन सी ट्रिक होती है? तो जयशंकर जी के लिए ट्रिक है प्रेमचंद्र का आतिश। ठीक है, प्रेमचंद्र का आतिश। तो देखिए, प्रेम से क्या हो गया? प्रेम प्रतीक। और चंद्र से हो गया चंद्रगुप्त, और कर से हो गया का से हो गया पहले कामायनी और कंकाल, और देखिए कर का हो गया, और आतिश है ना, यहाँ पे आतिश में देखिए आ से हो गया आकाशदीप, आजाद शत्रु और आंसू, ये तीन हो गई। और ती से क्या हो गया? तितली। ठीक है, तितली, ये तितली वाला भी आपके एग्जाम में आ चुका है एक बार। और स से हो गया स्कंदगुप्त। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको ऐसी मजेदार ट्रिक्स और भी चाहिए तो आप लाइक दबा दीजिए, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आगे भी वीडियोस बनाऊं तो आपको तुरंत ही तुरंत मिलता रहे। तो दोस्तों, लाइक करना मत भूलिएगा, ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।